भगवान श्री गणेश बुद्धि और कौशल के देवता हैं। उनकी आराधना का अर्थ विद्या, बुद्धि, विवेक, यश, प्रसिद्धि, सिद्धि सहजता से प्राप्त हो जाती है। हिंदुओं में खास तौर पर श्री गणेश प्रथम पूज्य देवता हैं, परंतु इस हकीकत से परे एक और सत्य है। श्री गणेश सिर्फ हिंदुओं द्वारा और भारत में ही नहीं पूजे जाते, विश्व कई जगहों पर श्री गणेश प्रमुख आराध्य देव हैं। गणपति जी की आराधना को लेकर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनसे आप अब तक अनजान रहे हैं। इन्हें जानने के बाद आप दुगनी श्रद्धा और भक्ति के साथ गणपति जी की आराधना में जुट जाएंगे। तो जानते हैं क्या है विश्व के अन्य स्थानों पर श्री गणेश की पूज्य परंपराएं और उनके विषय में प्रचलित मान्यताएं और रोचक किस्से। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। आपका स्वागत है झलक के साथ स्पाइसी बीटी चैनल पर। जापान में भगवान गणपति जी के 250 मंदिर हैं। जापान में श्री गणेश को कंजीटेन के नाम से जाना जाता है। वो वहां सौभाग्य और खुशियां लाने वाले देवता हैं। ऑक्सफोर्ड में छपे एक पेपर के अनुसार श्री गणेश प्राचीन समय में सेंट्रल एशिया और विश्व की अन्य जगहों पर पूजे जाते थे। गणेश जी की मूर्तियां अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, मंगोलिया, जापान, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, बुल्गारिया, मैक्सिको और भी कई लैटिन अमेरिकी कंट्रीज में मिल चुकी हैं। श्री गणेश की मूर्तियों और चित्रों की प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन दुनिया के लगभग सभी खास म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज में लग चुकी है, खास तौर पर यूके, जर्मनी, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। यूरोप के कई देशों में, कनाडा और यूएसए में कई सफल बिजनेसमैन, लेखक और आर्टिस्ट अपने ऑफिस और घरों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं या चित्र रखते हैं। हाल ही में बुल्गारिया के सोफिया के पास एक गांव में भगवान श्री गणेश जी की एक प्रतिमा जमीन में से मिली। भारतीयों की तरह रोमन लोग श्री गणेश की पूजा के साथ सभी काम शुरू करते हैं। आयरिश लोगों का गणेश जी द्वारा भाग्य अच्छा रखने में विश्वास है। न्यू दिल्ली स्थित आयरलैंड एम्बेसी में प्रवेश द्वार पर ही श्री गणेश की मूर्ति स्थापित की गई है। आयरलैंड की एम्बेसी पहली ऐसी एम्बेसी है जहाँ श्री गणेश जी के आशीर्वाद लिया जाता है। यूएसए के सिलिकॉन वैली में श्री गणेश में साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी का देवता माना जाता है। श्री गणेश ज्ञान के देव हैं और उनका वाहन मूषक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी माउस यानी कि मूषक का इस्तेमाल करते हैं। इसके माध्यम से ही उनके विचार और आइडियाज मूर्त रूप लेते हैं। इस वजह से कंप्यूटर इंडस्ट्री ने गणेश जी को सिलिकॉन वैली में मुख्य देवता माना है। गणेश जी ग्रीक सिक्के पर भी विराजित हैं, यानी कि जो ग्रीक कंट्री का कॉइन है उस पर गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। हाथी के सिर वाले भगवानों की तस्वीरें भारतीय ग्रीक सिक्कों पर मिली है। ये सिक्के करीबी प्रथम और थर्ड सेंचुरी BC के आसपास के थे। इंडोनेशिया की करेंसी के नोटों पर भी श्री गणेश की तस्वीर होती है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार श्री गणेश जी करीब 10,000 साल पहले प्रकट हुए। वेदों में उन्हें नमो गणभयो गणपति के नाम से पुकारा गया है। वो मुश्किलें खत्म करने वाले देवता हैं। महाभारत में उनके स्वरूप और निषदों में उनकी शक्ति का वर्णन किया गया है। बोलो गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। कमेंट में गणपति बप्पा बिल्कुल भी लिखना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। और हाँ दोस्तों, इस एनिमल्स को फीड करा उनकी हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी करती हूँ और आप भी कीजिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।